प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गांव गांव वार्ड वार्ड में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए संकल्प यात्रा निकाला जा रहा है, जिससे कि देश को का जन जन सशक्त हो, इससे भारत पूर्ण विकसित हो जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव व शहर के हर क्षेत्र में पहुंच रही है, जिससे सभी ग्रामीण केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें। मुरैना जिले के ग्राम बमूर बसई में पूर्व विधायक रघुराज सिंह कसाना ने यात्रा के दौरान अपना संबोधन देते हुए ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। यात्रा को लेकर ग्रामीण में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है। यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लें, इस उम्मीद के साथ आने वाले समय में मोदी जी की जो गारंटी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, उनका भी लाभ लें और प्रदेश सरकार की योजना है उनका लाभ लें। इससे आने वाले समय में लोगों का विकसित हों, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खेलकूद के क्षेत्र में तमाम सारी योजनाएं जो चल रही हैं उनका लाभ लें। यही सरकार का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो। इसके लिए ये पहले विकास यात्रा चालू हुई थी, अब संकल्प यात्रा है। इसके माध्यम से हर ग्रामीण क्षेत्र में ये यात्रा जाएगी और 24 जनवरी तक मुरैना विधानसभा के विभिन्न ग्रामों में होती हुई ये संकल्प यात्रा का समापन होगा। मेरे को आवास मिला, पहले झोंपड़ी में रहता था, आवास के वजह मोदी जी की इससे अपने का मकान बन गया, अपना समस्त परिवार रह रिया, गाड़ी आई थी गांव में आपके यहाँ गारंटी की, उसके बाद हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। विकसित यात्रा हुई थी, इसमें मुझे बढ़िया अच्छा हुआ और प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि मिल रही है, उससे मेरी आर्थिक स्थिति सुधरी है और इसमें घर में लेटरिंग भी है, उसमें 12,000 रुपया मिला था, मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। उज्ज्वला योजना के द्वारा गैस कनेक्शन भी है। ग्राम पंचायत बहुर वसई का निवासी हूँ, जिला मुरैना, और पहले हमारे यहाँ शौचालय नहीं था, बाहर शौचालय शौच करने जाते थे तो हमको बहुत परेशानी आती थी, और अब गांव में शौचालय प्रधानमंत्री द्वारा बनवाए गए हैं तो हमें अब कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम शौचालय में शौच करने जाते हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री के बहुत बहुत आभारी हैं और उन्हें शौचालय दिए।